Poem, I wonder. 3B, your textbook page number 26. I wonder. Wonder का मतलब क्या होता है क्लास? Wonder means किसी भी ऐसी चीज का, कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल अजीब सी हो, अजूबा हो, आप जिसको देख के बहुत हैरत करें कि यार ये कैसे. जैसे आपको कभी एक चीज देख के सोच के हैरत नहीं होती कि किस तरह से सुबह ही सुबह सूरज निकल कर आ जाता है, चांद चला जाता है, किस तरह से मतलब बर्ड्स हैं वो तो, जैसे वो तो परिंदे हैं, वो हमारी तरह नहीं सोच सकते, हमारी तरह नहीं खा सकते, लेकिन वो अपना नेस्ट, अपना घर किस तरह से बना लेते हैं, ग्रास किस तरीके से निकलती है, किस तरह, कौन सा अमल उनके साथ होता है, कौन इस किस तरीके से जो है रेनबो आपकी बारिश के बाद अपेयर हो जाती है. इसके अलावा के मतलब ट्रीज किस तरह से जो है ट्रीज रेस्ट करते होंगे, क्या वो खड़े खड़े हर वक्त थकते नहीं होंगे. इस तरह की चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनको सोच के हमारे दिमाग में आता है, मतलब बहुत बहुत अजीब और हैरत सी फील होती है हमारे दिमाग में. ठीक है, हम लोग बहुत हैरत फील करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ वर्ड टू नो में अपनी मीनिंग्स को देख लेते हैं. फ्लफी, फ्लफी कहते हैं फीदरी, मतलब बहुत फूला फूला सा, नर्म नर्म सा, परों की तरह से. तो लाइक क्लाउड और कॉटन, यहाँ पर जो ये फ्लफी मीन्स यूज हुआ है वो क्लाउड्स के लिए यूज हुआ है, क्योंकि क्लाउड्स कैसे फ्लफी फ्लफी होते हैं ना, फूले फूले से होते हैं. आपके जो अक्सर आपके कुशंस होते हैं जिनके ऊपर कोई, जैसे स्माइली फेस के कुशंस आपको मार्केट्स में मिलते हैं, तो वो देखा ना, वो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, फूले फूले से होते हैं, बहुत फ्लफी से होते हैं. लाइटनिंग, अभी देखा था लास्ट डे थर्सडे को, आज ही के दिन जो लास्ट थर्सडे जो बहुत जबरदस्त लाइटनिंग हुई थी हमारे यहाँ जब बारिश हो रही थी उस 7 बजे के बाद, बहुत जैसे जो आपके आसमान के ऊपर जो बिजली कड़क रही थी. तो कभी हमें ये भी जो है एक हैरत ही लगती है कि बताएं ये किस तरह से अल्लाह ताला ये बिजली कड़काते होंगे. ये सब अल्लाह ताला के काम है जो सिर्फ अल्लाह ताला ही समझ सकते हैं और सिर्फ अल्लाह ताला ही इनको कर सकते हैं. हम बंदों में बिल्कुल ऐसी कोई एबिलिटी ही नहीं है जो हम इन कामों को और प्रॉपर वक्त में प्रॉपर तरीके से कर सकें सिवाय अल्लाह ताला के. सपोज, सोचना, थिंक करना. वंडर, टू बी अनश्योर एंड आस्क क्वेश्चन, मतलब हम हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम श्योर नहीं है, किसी भी चीज़ का हमें यकीन नहीं है कि वो किस तरह से हुई है, किस तरह होती है. सिर्फ और सिर्फ अपने एक अपने खुद के बनाए हुए आंसर्स हैं, हमारे अपने खुद के बनाए हुए तरीके हैं कि हाँ ये होता होगा तो शायद ये हो जाता होगा. हाँ, अगर रात हो जाती है तो लाजमी सी बात है तारे तो निकलेंगे, क्योंकि रात हो गई, रोशनी होगी, चांद के साथ ही तारे होते हैं, सूरज के साथ तारे नहीं होते. ये सब हमारे अपने बनाए हुए ही क्वेश्चंस हैं, हम उनके अपने क्वेश्चंस के खुद ही हम अपने आंसर्स भी ले लेते हैं, और इस तरह से हमारी जो एक हैरत है वो अपनी जगह पे रहती है और हमेशा रहेगी, क्योंकि एक इंसानी सोच में, इंसान के थिंक करने के स्टाइल में इन सब चीज़ों को, मतलब इंसान की थिंकिंग में ये चीज़ ही नहीं है, ये मतलब आपके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि हम सोचें कि किस तरह ट्रीज आराम करते हैं, बर्ड्स को कौन सिखाता है कि वो नेस्ट बनाएं, और ये सारी चीजें. आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, हु थॉट द बर्ड टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट. मैं हमेशा इस बात को सोच के, शायर कहते हैं, मतलब इस पोएम के पोएट बोलते हैं कि मैं हमेशा इस बात को सोच के बहुत हैरान हो जाती हूँ कि व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, कि ग्रास ग्रीन क्यों है भाई, ग्रास येलो भी तो हो सकती है, ग्रास ब्लू भी तो हो सकती है, बट व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन. ऐसा क्यों होता है, जब धूल उड़ती है तो धूल भी तो नजर आती है, मिट्टी भी तो नजर आती है, लेकिन जब जोर जोर से हवा चल रही होती है तो वो हवा क्यों नजर नहीं आती. Who taught the birds to build a nest? ये कौन बताता है बर्ड्स को कि किस तरह से वो अपना नेस्ट बनाएं? आपने कभी बर्ड्स के नेस्ट को देखा है क्लास, कि जब भी बर्ड का जो नेस्ट होता है, उनका जो घोंसला होता है, वो बहुत बारीक 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 तिनकों से इस तरह से गुत्थम गुत्था होके बना हुआ होता है, मतलब वो तिनके बर्ड्स इस तरह से जोड़ के बनाती हैं कि शायद हम लोग तो कभी उसको बना ही नहीं सकते, मतलब शायद हमें
वो काम ही नहीं है कि हम एक तरफ से उसको उलझा के दूसरी तरफ से उसको जो है उसमें पुरो के, मतलब वो किस तरह से इसको काम करती है, जबकि ये काम बर्ड सिर्फ और सिर्फ अपनी बीक से, अपनी चोंच से कर रही होती है। हम ह्यूमंस की तरह, हम इंसानों की तरह बर्ड्स के पास कोई भी प्रॉपर काम करने के लिए हाथ नहीं होते। सिर्फ एक इस चीज को सपोज करें, थिंक करें, सोचें कि अगर कहीं से गलती से भी खुदा ना खास्ता हमारी छोटी सी उंगली भी कट हो जाती है और हम उससे कोई चीज कोई काम कर लेते हैं, उसमें बार बार हम उस पर हमारा उस पर साबुन से हम अपने हाथ धोते हैं, कुछ करते हैं, उस पर साबुन लगता है, तो कितनी जलन होती है ना। फिर वो हाथ हमारा ऐसा लगता है बिल्कुल यूजलेस हो गया, और उस हाथ के यूजलेस होने से हम यूजलेस हो गए, हम कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है कि हमें कितना अजीब सा लगता है ना, और हमें ये सोचना चाहिए कि वाह, बर्ड्स के पास तो कितनी अच्छी स्पेशलिटी है कि वो सिर्फ अपनी बीक से अपना इतना प्यारा नेस्ट बना लेती हैं कि वो नेस्ट उनको हर चीज से प्रोटेक्ट करता है, उनके बच्चों को हर चीज से प्रोटेक्ट करता है। ओ व्हाई द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, व्हाई वेयर कैन द मिसिंग बिच बी फाउंड फाउंड हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। अब पोएट ये सोच रही हैं कि ये मून शुरू में ही बिल्कुल राउंड क्यों नहीं होता। जब मून फर्स्ट डे या क्रीसेंट मून जिसको हम कहते हैं, जिसको खाली सिर्फ एक पतली सी आर्क टाइप की होती है, सेमी सर्कल भी नहीं होता, वो पूरा सिर्फ आर्क टाइप का होता है, वो सिर्फ इतना छोटा सा क्यों होता है? और फिर जो उसके तमाम मिसिंग पार्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो किस तरह से वो एक एक पार्ट एक एक पार्ट डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे जो है वो उसमें ऐड होता रहता है, और फिर वो एक पूरा मून राउंड बन जाता है अपनी एक स्पेसिफिक डेट पे, ऐसा क्यों होता है? हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, ये कौन है जब स्टार्स निकलते हैं तो उनको लाइट्स देता है? ये स्टार्स जब निकलते हैं, सामने आते हैं, हमारे आसमान पर दिख रहे होते हैं, तो उनमें स्टार लाइटनिंग कहाँ से आती है? एंड मेक द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और एकदम फ्लैश की तरह, मतलब कि यूं चमकी और सारे चीज पूरी जगह रोशन हो गई और एकदम भाग गई वो लाइट, कौन कौन फ्लैश करता है, कौन इस चीज को जलाता है? ये सारी चीजें एक बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज हैं, जिनके क्वेश्चंस जिनको हम कभी भी नहीं सोच सकते। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, व्हाई इज इट नो डू यू सपोज दैट डेट वॉन्ट वुड नॉट टेल मी इफ ही नोज। उसके बाद पोएट ये सोचती हैं कि ऐसा कौन है जो रेनबो को पेंट करता है? आपने आपको पता है ना रेनबो में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो ऐसा कौन है जो रेनबो को पेंट करता है जाके, और वो कलर्स पूरे लाइन वाइज बिल्कुल इक्वली आ रहे होते हैं, और इन आसमानों के ऊपर इतने फ्लफी फ्लफी क्लाउड्स कौन लटका लेता है, और ये कैसे चलते हैं सारे आसमान के ऊपर ये क्लाउड्स? व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। दैट डैड वुड नॉट टेल मी इफ ही नोज, क्या मेरे फादर मुझे ये बता सकते हैं अगर उन्हें ये पता है? ये सारी बेटा वो सब चीजें हैं जिनके होने का तो हमें एहसास होता है, इन तमाम चेंजेस तो हमें नजर आती हैं, लेकिन ये चेंजेस किस तरह होती हैं, ये सब नेचुरली है। इसको हमारी ह्यूमन थिंकिंग, हमारा ह्यूमन ब्रेन, हमारा ह्यूमन माइंड बिल्कुल सोच ही नहीं सकता, बिकॉज इन सब चीजों का बनाने वाली सिर्फ एक वाहिद जात अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला अपने काम बहुत 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 प्रॉपर तरीके से करते हैं, और उनको उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि किस चीज की किस वक्त ज्यादा जरूरत है और किस चीज की किस वक्त ज्यादा जरूरत है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, इफ यू आर अंडरस्टैंड काइंडली रेज योर हैंड। क्लास ये पोयम जो है हमारी वो मंथ ऑफ अगस्त में ही इंक्लूडेड है, इट्स नॉट अ वर्क ऑफ मंथ ऑफ सितंबर, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। सब अपनी अपनी कॉपीज निकालिए जरा जल्दी से। Mention date and day on it. Today date is 3rd September 2020 and the day is Thursday.
when you have maintained your page, in first line you copy down unit number 3B. ये poem हमारी unit number 3 के साथ included है, तो इसलिए हमने इस poem को एक name दे दिया है, unit number 3B. I wonder. सबसे पहले आपने लिखना है unit number 3B. In next line you write I wonder. I wonder. फिर आपका इसमें होने वाला फर्स्ट वर्क है आपका वन पेज राइटिंग है इसकी. न्यू वर्ड्स, कंप्लीट स्टेंजा, राइमिंग वर्ड्स, एक्सरसाइज C1 इन बुक, एक्सरसाइज B1 इन कॉपी, वर्कबुक पेज नंबर 13. Class, I hope complete this work. Now turn out the next page and do one page writing. From this poem, आपको मैंने पहले भी बताया है क्लास, अभी अगेन बता देती हूँ, पोयम की राइटिंग हम बिल्कुल चैप्टर की तरह नहीं करते. पोयम जिस तरह हमारे पास स्टैंजा में होती है, शेर में होती है, मतलब एक एक लाइन अलग अलग लिखी हुई होती है, बिल्कुल इसी तरीके से हम राइटिंग भी करते हैं. फॉर सपोज अगर हमारी फर्स्ट मतलब बुक की फर्स्ट लाइन हमारी कॉपी की दो लाइनों में आती है या वन एंड वन एंड हाफ लाइंस में आती है, तो बुक की सेकंड लाइन हम उस कॉपी की हाफ लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे. बुक की सेकंड लाइन हम अपनी कॉपी की सेकंड लाइन से, वो न्यू लाइन से ही स्टार्ट करेंगे. ओके, जैसे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन. ये दोनों बुक्स में भी अलग अलग लाइन्स हैं और एक ही लाइन्स पर हैं, लेकिन कॉपी में भी यहाँ पर एक ही लाइन पे आई हैं. हु थॉट द बर्ड टू बिल्ड अ नेस्ट, ये बुक की एक लाइन में है बट कॉपी की टू लाइंस में आई है, तो हम इसको वहीं पे स्किप कर देंगे जिस तरह यहाँ स्किप है. फिर थर्ड फोर्थ लाइन जैसे शुरू होती है हमारे पास, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, वो हम अपनी न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे. ओके क्लास, नाउ स्टार्ट राइटिंग.